Assalamualaikum. dear डियर स्टूडेंट्स टुडे इज़ द डेट June जून एंड द is थर्सडे और सोशल स्टडी का हमारा आज का काम है लेसन नंबर फोर से पेज नंबर थर्टी नाइन जिसकी हमने रीडिंग करनी है और हमारा टॉपिक है लेगसलेचर आइए हम शुरू करते हैं जी स्टूडेंट्स तो सबसे पहले यहाँ तक हम लोगों ने कल रीड आउट किया था आप लेगसलेचर के टॉपिक के साथ ही आज की डेट डालिए और यहाँ से हमने पढ़ना शुरू करना है ठीक है लेगिसचर प्रोविशल असम्बली विच इसड बाई द पीपल डे इन प्रोविंस एक सूबाई असम्बली जो कि लोगों के ज़रिए चुनी जाती है जिसका इंतब लोगों के ज़रिए होता है एक सूबे में मजलिस शुरा काम करती है या मजलिस शुरा की तरह है टू बी मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली सूबाई असम्बली का रकन होने के लिए द मैक्म एज़ ट्वेंटी फाइव ईयरस स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फेयर्स एंड बिजनेस बिजनेस के ऊपर आप लिखेंगे कारोबार ये देखें इस तरीके से आप बिजनेस के ऊपर लिखेंगे कारोबार ठीक हो गया नेक्स्ट है दे आर अलेक्टेड बाय द मेम्बर ऑफ असम्बली वो असम्बली के अरकान से चुने जाते हैं या असम्बली के अरकान उन्हें चुनते हैं ठीक हो गया नेक्स्ट पैराग्राफ देर आर थ्री सेवेंटी वन सीट्स इन द प्रोवेंशियल असेंबली ऑफ़ पंजाब यहाँ से आप हाईलाइट करेंगे ये एम सी क्यू बन सकता है आउट ऑफ दीज नाइन टू नाइनटी सेवन रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड इन जनरल अलेक्शन इन में से टू से नाइन्टी सेटिव जो हैं वो जनरल अलेक्शन का मतलब है आम इलेक्शन में चुने जाते हैं नेक्स्ट रिमेनिंग सिक्सटी सिक्स सीट्स आर रिजर्व्ड रिज़र्व का मतलब है रखी जाती हैं या फॉर वुमेन वाइल एथ सीट्स और फॉर minorities द provincial assembly इज़ elected फॉर फाइव ईयर्स द provincial असम्बली फ्रेम्स लॉ कानून बनाते हैं अप्रूव्स बजट अप्रूव्स का मतलब है मंजूरी देना इस तरीके से आप लोग लिखेंगे मंजूरी देना अप्रूव मंजूरी देना बजट एंड इम्पोजिज टैक्सेस इन द प्रोवेंस लाहौर इज़ द प्रोविशियल कैपिटल ऑफ पंजाब हु इज़ द प्रोविशियल कैपिटल ऑफ पंजाब लाहौर इज़ द प्रोवेंशल कैपिटल ऑफ पंजाब यह आपने हाईलाइट करना है एम सी क्यूज के लिए ठीक नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव के ऊपर आप लिखेंगे इंतज़ामिया ये देखिए इस तरीके से आपकी बुक में एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है इसके ऊपर आप लिखेंगे साइड पर लिख लें जिस तरीके से मैंने आपको क्लास में भी समझाया है इंतज़ामिया ठीक एग्जीक्यूटिव इंतज़ामिया द प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ इन द प्रोविंस प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव का मतलब है सूबाई इंतज़ामिया सूबे में कानून लागू करती है इम्प्लीमेंट्स का मतलब है लागू करना लिख लें यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स का मतलब है लागू करना ठीक हो गया उसके बाद द गवर्नर चीफ मिनिस्टर्स प्रोविंशियल कैबिनेट ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ परफॉर्म दीज फंक्शंस ज्वाइंटली नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर का मतलब है वज़र अज़म द चीफ मिनिस्टर इज़ हेड ऑफ़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट हेड का मतलब है सरबरा लिखा हुआ है यहाँ पर भी लिख के दिखा देती हूँ हेड का मतलब लिखिए सरबरा ठीक हो गया द चीफ मिनिस्टर इज़ हेड ऑफ़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट हु इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर जो के पाँच साल के लिए चुना जाता है पाँच साल के अर्से के लिए किसके जरिए बाई द मैंबर ऑफ प्रोविशियल असम्बली सूबाई असम्बली के रुकन उसको चुनते हैं ही हैज़ द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजार्टी पार्टी अक्सरी मेजार्टी की अक्सरीत जो है वो उसे अतमाद में लेती है वोट के ज़रिए चीफ मिनिस्टर हैज़ टू बी द दम्बर ऑफ प्रोविन्शल इसम्बली सूबाई असम्बली का रुकन होना ज़रूरी है ही एडमिनिस्ट्रेट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द प्रोविंस उस वो सूबे के मुख्तलिफ महकमे एडमिनिस्ट्रेट का मतलब होता है उस पर उसकी हुकूमत होती है या वो उनको देखता है उसके मामलात संभालता है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रन दिस्टम ऑफ प्रोविंस एफिशियंटली वो जिम्मेदार है रिस्पॉन्सिबल का मतलब लिखेंगे जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल जिम्मादार ठीक है he is responsible to run the system of province efficiently. Efficiently का मतलब है होशियारी से चालाकी से एहसन तरीके से अच्छे से सूबे के निज़ाम को चलाने के लिए वही जिम्मेदार होता है द चीफ मिनिस्टर इज आंसरेबल जवाब दे है टू द प्रोविशियल असम्बली सूबाई असम्बली को ही लुक्स आफ्टर द अफेयर्स ऑफ बजट एनुअल एंड करंट एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर का मतलब है बच्चे अखराजात एक्सपेंडिचर्स का मतलब है ठीक है एक्सपेंडिचर्स अखराजा एंड ऑल्सो कॉर्डीनेट्स वेडरल गमेंट और वफाकी हकुम, फेडरल हकूमत के साथ भी वो कॉडीनेट का मतलब है रबता रखता है ईल्सो अपॉइंट्स ऑफिसर्स इन वेरियस डिपार्टमेंट मुख्तलि महकमों में वो ऑफिसर्स भी अपॉइंट्स का मतलब है वहाँ पर खड़ा करता है या फिर वहाँ पर ड्यूटी लगाते हैं या फिर वहाँ पर उनकी आ, उनको अपॉइंट करने का मतलब यही होता है बच्चे वहाँ पर जॉब देना या उनको वहाँ पर हेड बना देना ठीक है उनको वहाँ पर एज ऑफिसर uh, वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगा देना एंड मेक्स चेंजेस इन द ज्यूरिस ज्योरसडिक्शन ये है ज्योरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट और वहाँ पर मुख्तफ महकमों के फ़ैसलों में तब्दीली भी वो कर सकते हैं कौन जो वहाँ पर ऑफिसर्स वहाँ पर किए जाते हैं वहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं वो भी मुख्तु महकमों के फैसलों में तब्दीली ला सकते हैं यहाँ पर आज की डेट डालेंगे आप फोर सिक्स ट्वेंटी और एंड में लर्न लिखेंगे ठीक है ये है आपका आज का रीडिंग पेज आप लोगों ने थोड़े से मीनिंग्स हैं इसको आप लोगों ने लिखना है और हाई लाइट मटीरियल भी मैंने आपको बता दिया है ब्रैकेट्स बना दिए हैं आप लोगों ने इसको नीट तरीके से पेंसिल को शार्प करके फिर आप लोगों ने इसको लिखना है थैंक यू